हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पजल मेनिया बेतंकुर में। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने SBI क्लर्क प्री का एग्ज़ाम दिया है। अब इसके बाद है मेंस एग्ज़ाम। अब मेन दिक्कत क्या है खासकर SBI में कि मेंस एग्ज़ाम डेट नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है। जिस दिन प्री का रिजल्ट आएगा उस दिन क्लियर होगा कि मेंस एग्ज़ाम किस दिन कंडक्ट होगा। अब लेकिन जो एक्सपेक्टेड डेट होती है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स वो भी होते हैं जो प्री के रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं। आप कितना भी कह लो उनको रिजल्ट का इंतज़ार करना ही होता है। और जब प्री का रिजल्ट आ जाता है, उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट भी आते हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सर हमारा प्री क्लियर हो गया है, अब मेंस के लिए बहुत कम समय है, तो कितने महीने का GA तैयार कर लें और कहाँ से कर लें कि कम समय में हमारा GA तैयार हो जाए। देखो, स्पेशली मैं उन स्टूडेंट्स से ज़रूर कहूँगा जो प्री के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम GA पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि मेंस के लिए 12 से 15 दिन ही आपको मिलेंगे और 12-15 दिनों में क्वांट भी करना है, रीजनिंग भी करना है, इंग्लिश भी पढ़ना है और उसमें आपको 5-6 महीने की GA भी पढ़ना है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप GA को तैयार कर लोगे ना और प्री का रिजल्ट आएगा तो एक राहत मिल जाएगी कि हमने कम से कम GA तो कंप्लीट कर लिया है। अब जो मेंस के लिए 12 से 15 दिन का समय मिला है इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम पिछले काफ़ी सारे मेंस एग्ज़ाम को देखें तो जिस महीने मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है उसके लास्ट के 2-3 महीनों से काफ़ी ज़्यादा GA के क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं। अभी नवंबर में IBPS PO मेंस हुआ तो सितंबर अक्टूबर से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिले और एग्जाम्स में भी यही देखने को मिला है। तो SBI क्लर्क मेंस एक्सपेक्टेड है जनवरी में, तो उल्टे से शुरू कीजिए, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। कम से कम ये 4 महीने की GA आपको इतने अच्छे से तैयार करके जाना है कि अगर इन 4 महीने से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो वो आपका छूटे नहीं। समय बचता है तो आप 5 या 6 महीने के भी करके जा सकते हैं। अब जिनके पास समय कम है वो कैसे तैयार करें, फिर आपको PDF के माध्यम से तैयार करना है। और ऐसा भी नहीं करना है कि मान लीजिए अक्टूबर तैयार कर रहे हैं तो एक PDF से पढ़ लिया तो हो गया काम। किसी भी महीने की आप करंट अफेयर्स पढ़े ना तो कम से कम 2 PDF, ज़्यादा से ज़्यादा 3 PDF। पहली PDF में थोड़ा समय लगेगा पढ़ने में, लेकिन जो दूसरी और तीसरी PDF होगी ना उसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि एक ही महीने की आप PDF पढ़ रहे हैं, पहली आप पढ़ चुके हैं, बहुत सारा मटेरियल पहली PDF का दूसरी और तीसरी में मिलेगा, कुछ ही डिफरेंट चीज़ें होंगी जो आपको अदर्स 2 PDF में मिलेंगी, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि आपने 2 या फिर 3 PDF से तैयार किया है। जो डिफरेंट चीज़ें रहेंगी वो भी आप तैयार कर लोगे। देखो दोस्तों, कंपटीशन जिस तरह का है ना, जितनी पढ़ाई करो उतनी कम है, इसलिए समय का क्या है कि कभी भी SBI या IBPS की गलती नहीं होती है कि कम समय दिया है मेंस में, उस समय को कम हम बनाते हैं। कभी हम एडमिट कार्ड का इंतज़ार करते हैं, कभी हम प्री के रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, कभी एग्ज़ाम डेट्स का इंतज़ार करते हैं, तो ऑटोमेटिक वो समय कम हो जाता है। तो इंतज़ार के चक्कर में जो मेंस की तैयारी का समय होता है ना वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि मेंस से ही आपको SBI क्लर्क में सिलेक्शन मिलना है। तो प्री का आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, मेंस की तैयारी नहीं रहेगी तो कोई मतलब नहीं है उस प्री एग्ज़ाम को क्लियर करने का। इसलिए अभी भी आपके पास समय है, मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, कम से कम GA तो पढ़ना शुरू ही कर दीजिए। कोई भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।